15 अगस्त के बाद बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर से राज्य के तमाम जिलों का यात्रा पर निकलेंगे। हालांकि इसको लेकर के उन्होंने लगातार सरकार पर बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर तंज भी कसते नजर आ रहे हैं। जब यह सवाल जेडीयू कोटे के मंत्रियों से पूछा गया तो इस पर जवाब देते हुए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी व ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी, आइए सुनाते हैं। निकलेंगे तो अभी तो जहां पर नेता प्रतिपक्ष को होना चाहिए था, नेता प्रतिपक्ष की सबसे बड़ी जवाबदेही है असेंबली के अंदर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना, सरकार के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं हो रहा उस पर प्रश्न उठाना। तो तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष तो विधानसभा गए नहीं पूरे सेशन में, तो सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि कितना सीरियस पॉलिटिशियन है। ये तो इसी बात से प्रमाणित होता है ना कि किसी देश में किसी का असेंबली चलते हुए कोई इतिहास है क्या कि नेता प्रतिपक्ष नहीं रहा हो, बीमार हो तब तो समझ में आता है, लेकिन स्वस्थ रहने के बावजूद देश से बाहर जिस समय सेशन चल रहा हो चले गए हो, तो ये दिखाता है कि कितना सीरियस। यात्रा कर रहे हैं अच्छी बात है, यात्रा करनी तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम ग्राउंड रियलिटी से पता चलेगा कि कितना इनके पिताजी के समय में बिजली रहता था, अब कितना बिजली हो गया, रोडों की स्थिति क्या थी, अब रोड की स्थिति क्या हो गई, दलित महादलितों के घरों के निर्माण की स्थिति क्या थी, अब कितना निर्माण हो गया, उस सबसे पता तो चलेगा ही। जो सोशल जस्टिस के नीतीश कुमार जी हमारे नेता जो जिनको हम लोग चैंपियन मानते हैं उनके कार्यकलाप का कितना प्रभाव जमीन पर पड़ा है उसको उनको दिखेगा। झारखंड में आप लोग चुनाव लड़ा पड़ेगी कानून व्यवस्था को लेकर बिहार की जनता बताएंगे, बिहार में नीतीश कुमार का जमीर खत्म हो चुका है। अभी 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 5 दिन तक विधानसभा का सत्र चला है और 5 दिन में एक भी दिन वो प्रतिपक्ष के नेता होने के नाते उनको सदन में आना चाहिए और सदन में आकर के बिहार की समस्या अगर कहीं है तो इसको उठाना चाहिए। जो प्रतिपक्ष का नेता विधानसभा के सत्र में एक दिन भी नज़र नहीं आते हैं उनसे बिहार के लोगों को कोई उम्मीद नहीं है। और बिहार में जो काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने करके दिखाया है उसका बराबरी इस जन्म में वो नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको जहां भी जाना है जिस यात्रा पर भी निकलना है उसके लिए वो स्वतंत्र है, निकले उससे यहां कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के लोगों का सेवा हर स्तर पर किए हैं और करते रहेंगे। रही बात विधि व्यवस्था का तो बिहार से बेहतर विधि व्यवस्था हम लोग आंकड़े के साथ कह सकते हैं कि किसी दूसरे जगह नहीं है। बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह कंट्रोल में है और आने वाला समय में भी कंट्रोल में रहे। पुल फिर से गिर रहा है लगातार, पुल का जहाँ तक बिहार में टायर्ड नेता और रिटायर्ड अधिकारी सिस्टम चला रहे हैं इसलिए यह हादसा हो रहा है। पुल का जहाँ तक सवाल है तो उसका रिपोर्ट हमारे ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री जी ने भी दिया है, उसमें ज़्यादातर वैसे पुल हैं जो 50 साल 60 साल पहले ग्रामीण कार्य विभाग से जो नहीं बने हैं, जो जिला स्तर के अन्य योजनाओं से कम लागत में बने थे वैसे पुल ही गिरे हैं। ग्रामीण कार्य विभाग का एक पुल गिरा है जिसके आधार पर वहां के इंजीनियर पर कार्रवाई की गई है, उसके अलावा जो भी पुल गिरे हैं वो जिला स्तर पर कम लागत में बने हुए पुल गिरे हैं। और पुल का और सड़क का गुणवत्ता का जांच हमेशा होता रहता है। जो एक पुल ग्रामीण कार्य विभाग का गिरा था उसमें विभागीय इंजीनियर पर कार्रवाई की गई है, उसकी जाँच चल रही है। नहीं, जो आदमी पर कार्रवाई होता है कानूनी तौर पर चाहे किसी भी तरह का आरोप लगता है और वो आरोप में कहीं दम दिखाई देता है तो सरकार ने तो उसमें फैसला किया है, उनको अपने पद से हटाया गया है, एक IAS को उनके पद से हटाया गया है, ये कम बड़ा फैसला नहीं है, ये सरकार के सही फैसले का ही जवाब है।
तो जैसा कि आपने सुना, इन दोनों मंत्रियों ने साफ कहा है कि जब विधानसभा का सत्र चल रहा था उस समय नेता प्रतिपक्ष को सभा सदन के अंदर होना चाहिए, तो उस समय वो विदेश के दौरा कर रहे थे, लेकिन अब वो बिहार में फिर से यात्रा पर निकलने की बात कर रहे हैं। तो वो भी निकल करके देख लें कि नीतीश सरकार में और NDA सरकार में किस तरह से विकास कार्य हुए हैं, उन्हें सड़कों से लेकर के तमाम चीज़ें नज़रें आएगी, इसका भी उन्हें ख्याल रखना चाहिए। ऐसे उनके यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ता, चूँकि बिहार की जनता उनके और उनके पूरे पार्टी की मंशा को समझ चुकी है। दर्श न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।